नमस्ते है जी, मैं उदय रिवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम मकर संक्रांति की चर्चा करेंगे। दो दिन बाद मकर संक्रांति आने को है। मकर संक्रांति का मतलब ये है सूर्य की दशा का बदल जाना, मतलब कि ठंड के मौसम में दिन छोटा होता है, गर्मी का मौसम आ रहा है तो गर्मी के दिनों में सूर्य दिन बड़ा होता है, मतलब सूर्य का समय काल बढ़ जाता है। तो वो पहला दिन है जिसमें सूर्य बड़ा दिन लेकर के आएगा। तो अब आपको ये समझना है कि हीलर्स ऐसा क्या करें। देखो, आज का ये वीडियो रेकी हीलर्स, लामा फेरा, एंजल हीलिंग तीनों लोगों के लिए। करुणा रेकी भी उसके अंदर ही आता है, रेकी के नीचे ही करुणा रेकी ही आता है, उसके नीचे ही मनी रेकी भी आता है। तो रेकी हीलर्स हो, लामा फेरा हीलर्स हो या एंजल हीलर्स हो, बेटा रेकी के किसी भी फॉर्म के हीलर्स हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सूर्य की दशा बदल रही है तो एकदम से आपके शरीर में, आपके आभामंडल में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अभी आपका पूरा शरीर, पूरी तरीके से आप जो काम कर रहे हो ठंड के मौसम के हिसाब से आपका चल रहा है, और अब गर्मी का मौसम आने वाला है। तो बहुत सारे हीलर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि शरीर में जलन होना शुरू हो जाता है हीलिंग प्रैक्टिस के दौरान, हीलिंग करने के दौरान जलन होना शुरू हो जाता है, शरीर बहुत गर्म हो जाता है, इस वजह से सिर दुखता है, इस वजह से बैक में पेन हो सकता है, इस वजह से एक भारीपन लग सकता है, इस वजह से एक आलस आ सकता है कि एक या दो हीलिंग करने के बाद लंबे टाइम तक सोना हो सकता है, नींद हो आ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि मकर संक्रांति के समय किया हुआ ये अभ्यास आपको गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में बनाए रखता है हीलिंग के लिए, ताकि आप कोई भी हीलिंग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो लामा फेरा हो, चाहे वो एंजल हीलिंग हो। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबसे यहाँ काम किसका हो रहा है, सूर्य का हो रहा है। भगवान सूर्य की दशा बदल रही है तो सूर्य को धारण करना शुरू कर दीजिए। आप अगर रोज़ सुबह घास में, मिट्टी में पैदल चलते हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं भी कर रहे हैं तो आप एक काम करिए, एक कांच का बॉटल लीजिए, या फिर एक लोटा लीजिए, या फिर एक लोटा मतलब पंच धातु से बना हुआ जो कांसे का लोटा होता है, वो तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, उसमें पानी भरकर सूर्य में चार्ज कीजिए। जी हाँ, सूर्य की रोशनी में उसे आप चार्ज करते हैं और उसे आप पी जाते हैं। सुबह 5-7-8 घंटे चार्ज करें। सबसे अच्छा होगा कि सूरज उगने से पहले ही रख दें, और सूरज उगने के बाद पूरा शाम के समय तक, मतलब कि सूरज का लाल सूरज, नारंगी सूरज, फिर हल्का नारंगी सूरज, फिर पीला सूरज, फिर एकदम तेज पीला सूरज, फिर तकरीबन सफ़ेद सूरज, फिर धीरे धीरे ये सभी रंगों के सूरज की जब रोशनी इसमें पड़ जाएगी, ढक के रखना है, खुला नहीं रखना है, ढक के ही रखना है, इसमें पड़ जाएगी तो उस पानी को आप रात को ग्रहण कर लीजिए। ये आप 11 दिन कर गए, या आप ये 11 दिन कर लेते हैं तो आपके अंदर प्रबल ऊर्जा बहुत ज़्यादा सूर्य की ऊर्जा आ जाती है। आपका मणिपुर चक्र, जो कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि मणिपुर चक्र को कैसे मजबूत बनाना है, आपका मणिपुर चक्र भी मजबूत होगा, सोलर प्लेक्सस जिसे कहते हैं। और मकर संक्रांति में ये के बाद ये शक्ति आपके अंदर रहेगी तो आप हीलिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, शक्तिपात अच्छे से ले पाएंगे, शक्तिपात अच्छे से दे पाएंगे। मैं ये खुद करने वाला हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। साथ में ही साथ घास में पैदल चलना, मिट्टी पर चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। सूर्य की रोशनी लेना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। दान का महत्व मकर संक्रांति में सिखाया गया है। देखो, धर्म के हिसाब से तो तिल गुड़, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हो, ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से क्या करना है बहुत अच्छे से जानते हो, इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, इसके लिए कितनों ही वीडियो रखे हुए हैं यूट्यूब में। बट मैं आपको बताऊँगा एज अ हीलर आपको क्या करना है। एज अ हीलर किसी के लिए, किसी अपने क्लाइंट को भी अगर आप बताना चाहते हो तो समझाएं, तो जिस चीज़ को अपने जीवन में चाहते हो उस चीज़ का दान करें मकर संक्रांति के इस 11 दिनों में। ऐसा नहीं कि सब कुछ दान कर दें, नहीं, जिस चीज़ को भी अपने जीवन में चाहते हो। देखो, लोग क्या बताते हैं, जिस चीज़ की कमी उस चीज़ का दान, नहीं, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जिस चीज़ को अपने जीवन में चाहते हो उसका दान करें। आप नई हीलिंग एनर्जी चाहते हो तो हीलिंग एनर्जी का दान करें, कुछ लोगों को फ्री में हील करें, अपने घर के लोगों को, अपने बाहर के लोगों को फ्री में हीलिंग दें।
भगवान सूर्य को हीलिंग दें, चंद्रमा को हीलिंग दें, जो भी सिंबल्स आप जानते हैं सबको अपने हाथों में बनाइए और सूर्य देवता को हीलिंग भेजें। तो जो चीज़ का आप दान करते हो, भेजते हो, जो चीज़ को आप अपने से भेजते हो, खुद से देते हो, वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ने लगता है। तो अगर आप हीलर बन रहे हो तो एज अ हीलर आपको हीलिंग फ्री में देनी है इस कुछ समय। जीवन में धन की कमी, धन का दान करें। ऐसा नहीं कि बहुत सारा धन, थोड़ा थोड़ा धन का दान करें। आपके प्यार की कमी है, प्रेम की कमी है जीवन में, किसी प्रकार का प्रेम, माता पिता से प्रेम नहीं मिल पाया, अपने पार्टनर से प्रेम नहीं मिल पा रहा है, रिलेशनशिप में प्रेम नहीं मिल पा रहा, तो आप प्रेम दें। इंसानों को नहीं दे सकते तो जानवरों को प्रेम दें, पेड़ पौधों को प्रेम दें, गमलों छोटे छोटे पौधों को प्रेम दें। तो जो चीज़ आप प्रेम का दान करेंगे तो आपके जीवन में प्रेम आएगा। आपके जीवन में स्वास्थ्य की कमी है तो दूसरों के स्वास्थ्य को बरकत करने में उनकी हेल्प करें, किसी की सेवा करें, किसी बीमार की सेवा करें, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो जो भी चीज़ अपने जीवन में आप बरकत चाहते हैं, जिस चीज़ को भी आप बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उस चीज़ का दान करें। इसी के अपोजिट अगर आप किसी के जीवन में क्लेश का दान देते हैं तो आपके जीवन में क्लेश बढ़ेगा। किसी की चुगली करते हैं, किसी के जीवन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके जीवन में खराब पड़े। किसी को ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करें तो वो भी आपके जीवन में ख़राब होगा। तो इस तरीके से इस मकर संक्रांति का जो 11 दिन का जो समय होता है, मकर संक्रांति के दिन से 11 दिन का जो समय होता है, इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अपने सारे सिंबल्स को भगवान सूर्य की तरफ भेजिए बना करके, और ज़्यादा नहीं, 3 मिनट के लिए सुबह सुबह का समय, सूर्य जी को, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद आप अपनी हीलिंग एनर्जी इस तरह से भेज सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना काफ़ी है। आशा करता हूँ इस मकर संक्रांति एज अ हीलर आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाएंगे और लोगों की सहायता कर पाएंगे। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।